आजकल सुपर डांसर चैप्टर 4 में नजर आने वाली आपकी जज बॉलीवुड डीवा शिल्पा शेट्टी बहुत जल्द बॉलीवुड में एक बार फिर से वापसी कर रही हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। मुझे फॉलो करने के लिए आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, यूजर नेम है RJ_IG। भाई आपको बता दूं कि शिल्पा शेट्टी ने जो सबैटिकल लिया था इतना लंबा 13 सालों का, फाइनली अब वो तोड़ रही हैं और फाइनली बॉलीवुड में वापसी कर रही हैं। हाँ जी, आपको बता दूं कि फिलहाल तो वो आपको सुपर डांसर चैप्टर 4 में नजर आ रही हैं, लेकिन उनकी आने वाली दो फिल्में अभी लाइंड अप ही हैं। एक तो एक्शन फिल्म है जिसका टाइटल है निकम्मा, इसके बारे में अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन हाँ शिल्पा शेट्टी ये फिल्म कर रही हैं। उसके बाद दूसरी फिल्म है हंगामा 2, कॉमेडी फिल्म है, इसमें शिल्पा शेट्टी नजर आने वाली हैं और इस फिल्म के बारे में तो ये कहा जा रहा है कि इसी दे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आने वाले महीनों में स्ट्रीम की जाएगी। अब बड़ी खबर ये आ रही है कि विक्रम मल्होत्रा ने अपने आने वाली फिल्म के लिए शिल्पा शेट्टी को रोप इन किया है और शिल्पा शेट्टी ने हाँ कर दिया है। आपको बता दूं, कहा जा रहा है कि ये जो है एकदम फीमेल सेंट्रिक फिल्म होगी, यानी कि इसमें फीमेल लीड ही होने वाली है, यानी कि शिल्पा शेट्टी ही लीड होने वाली है, तो इसलिए ये फिल्म अपने आप में थोड़ी सी स्पेशल हो जाती है और शिल्पा शेट्टी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इससे पहले जो ये दो फिल्में कर रही हैं निकम्मे और हंगामा 2, इसमें ये मेन लीड नहीं है, ये फीमेल लीड नहीं है। लेकिन वही अगर आप बात करेंगे विक्रम मल्होत्रा की इस फिल्म की, तो इसमें पूरी फिल्म पूरी पूरी कहानी इसी सेंट्रिक किरदार के इर्द गिर्द घूमेगी जो कि शिल्पा शेट्टी निभाने वाली है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म ये शिल्पा शेट्टी के लिए होने वाली है। आपको बता दूं कि विक्रम मल्होत्रा जो है इससे पहले भी कई फीमेल सेंट्रिक फिल्म बना चुके हैं, कभी विद्या बालन के साथ, कभी नुसरत भरोचा के साथ, और अब अगला नाम आपको दिखाई दे रहा है वो है शिल्पा शेट्टी। आपको बता दें कि आखिरी बार शिल्पा शेट्टी 2007 में अपने फिल्म में दिखाई दी थी और अब 2021 आ गया है, अब सीधे शिल्पा शेट्टी आपको जो है एक के बाद एक मूवीज में दिखाई देंगी, यानी कि बॉलीवुड में वापसी करती हुई दिखाई दे रही हैं। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए बॉलीवुड स्पाई।